आऊंगा है तो मेरा बड़ा भाई, इस इंडस्ट्री में इसका सीनियर हूं, लेकिन डर भी लगता है कभी कभी इससे कुछ ऊंची नीच ना कर दूं। लेकिन आज जितनी खुशी मुझे अपने बनने के लिए हुई थी, उससे 10 गुना नहीं हजारों गुना खुशी मुझे इसके बनने से हुई है, क्योंकि बड़ा चंचल है स्वभाव से भी, हर चीज से भी, सुनता नहीं था कभी भी, लेकिन फिर भी सारे काम टाइम टू टाइम परफेक्ट करे, बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे बोलने से पहले सारे काम हो जाते थे। हाँ बस इतना रहा मेरा इस इंडस्ट्री के अंदर कि मैंने कहीं भी किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। लेकिन सच बताऊं तो मेरा इसको बनाने में उतना एफर्ट नहीं था जितना इसका खुद का एफर्ट्स था। भूखा रहा, कितनी बार डांट लिया मैं, इनका खाना खा ले, रूम पे आ जा बना लेता हूँ, ये करता हूँ, अगर नहीं काम को पहली प्रायोरिटी। आप किसी इंसान ने सही चीज बोली है, जो इंसान कर्म को पूजा मानता है उसको भगवान भी देता है। सही में आया। और आज इसने कर्म को पूजा समझा और उस पूजा के लिए इसने मेहनत करी, और उसकी मेहनत का नतीजा है वो आज इस इंडस्ट्री के अंदर 1,000 2,000 नहीं पर महीने का 1 से 3 लाख कमाने वाला बंदा बन चुका है। घर वाले सोच भी नहीं पाएंगे कि उनके दो दो बेटे इस प्लेटफॉर्म के अंदर लाख नहीं लाखों कमाने वाले बंदे बन चुके हैं। आज सुबह मैंने गाड़ी की बात करी, मैंने रजत की गाड़ी निकालते हैं बोल गए, तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं निकालनी गाड़ी। मैंने कहा अब मेरे ख्याल से विचार बदल गया होगा, क्योंकि 50 नहीं पर महीने का लाख प्लस की इनकम है, तो अब तो गाड़ी बनती ही बनती है। और उनके पापा का भी सपना था कि गाड़ी निकले। तो जनवरी फरवरी तक आई विश की उनकी गाड़ी निकाल के भी दिखा दूंगा। बाकी ज्यादा नहीं बोलता हूँ, थैंक यू सो मच डायमंड्स कम्युनिटी, थैंक यू ड्यूक दीपक सर, ड्यूक अनुज सर, आप लोगों की बदौलत ही हम इस इंडस्ट्री के अंदर आज इस लायक बन पाए हैं कि अपने माँ बाप के सामने खड़े होकर सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि माताजी पिताजी आप लोग टेंशन ना लो, आपके बेटे हैं ना, आपके बेटे हैं ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके हर सपनों को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और हम कैसे भी करके सपने पूरे करके दिखाएंगे। इनके बाद जिनके दो मार्जुस और आने वाले हैं, वो भी मेरे नीचे काम करने वाले हैं, तो उनके माँ बाप को भी मैं बोल दूं आप लोगों के बेटों ने आप लोगों का नाम रोशन किया है, आप लोगों से ज्यादा मुझे खुशी है कि मैंने इस इंडस्ट्री में उनको पाला है। और आज जितना भी सुना समझा, मेरे तीनों लाडले हैं जो आज बने हैं मारियूस, तो मैं तीनों को लास्ट में कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, लेकिन आज पहले उनके सुनना चाहता हूँ कि वो लोग इस इंडस्ट्री में आज मारियूस बनने के बाद अपने माँ बाप के सामने कैसा फील करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट। अब ज़्यादा